किसान और मजदूर आंदोलन के सामने बड़ी बड़ी सत्ताएं झुकी हैं, तो ये कि इनकी क्या औकात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों करेंगे भरोसा? क्या किया है? क्या प्रधानमंत्री जी गए किसानों को देखने के लिए? किसान आंदोलन को लेकर एक साल पूरा हो चुका है और हम यहां गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है। ये जो हम अपने सहयोगी से कहेंगे, ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों का भारी जमावड़ा है और एक साल पूरे होने के बाद किस तरह से जो है किसान अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। मैम, एक साल पूरा हो चुका है आंदोलन को, आज जो हुजूम देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है कई मांगों को लेकर। झुकना तो पड़ेगा ही, जन आंदोलन है। जन आंदोलन और किसान और मजदूर आंदोलन के सामने बड़ी बड़ी सत्ताएं झुकी हैं, तो ये कि इनकी क्या औकात है? तो फिर अभी भी कोई झुका नहीं है, अभी चेहरे पे और आंखों में वो कोई वो बात नहीं है, अभी तो झुकना तो वापसी हो गई ना मैम, घर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, वही वापसी पार्लियामेंट में तो हुआ नहीं अभी। वैसे तो सारे, सुनो देखो, सारे कानून वैसे तो बना लेते हैं बिना पार्लियामेंट के भी, स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं बुलाया स्पेशल सेशन? उसी दिन वापसी होती ना, जिस दिन घोषणा की थी स्पेशल सेशन बुलाते। और हमको वो नहीं चाहिए कि हमको जो है ये सत्र बुला के हम वापस करेंगे, इसकी परमानेंट वापसी होनी चाहिए। और परमानेंट वापसी होनी चाहिए और क्या, और इसको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के लिए। सरकार तो बार बार कह रही है ना कि हम इस कानून को वापसी लेते, किसानों को समझा नहीं पाए, कोताहियां हो। अरे सरकार झूठी है, ये झूठी सरकार को नहीं मानते हम लोग, सरकार के झूठे कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों करेंगे भरोसा? क्या किया है? कोरोना में देखो कैसे लोग मर गए, और जो है वापसी में वो क्या वो लॉकडाउन किया था, कितने मजदूर सड़क में मर गए, उनको ले क्या किया? लॉकडाउन में कुछ भी नहीं किया, लोगों को अनाज तक नहीं दिया, लोग भूखों मर गए, सड़कों पे मर गए, महिलाएं मर गई। और ये कोई तरीका है? नोटबंदी कर दिया अचानक से, लाखों लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, ये कोई तरीका है जनता के साथ पेश आने का? कोई आदर नहीं है, कोई मजदूर किसानों की कोई अपनी वो नहीं है क्या? उन वो भी ये देश के नागरिक हैं, एक ही वोट देते हैं, वोट देके तुम बनते हो, गद्दी में बैठते हो, चाय वाला बोलते हो, चाय वालों की तरह होनी चाहिए ना, और उस तरह का आपका मिजाज भी होना चाहिए, उसके साथ बैठो, अडानी को गले लगाते हो, उसकी बीवी पे कंधे पे हाथ रखते हो। प्रधानमंत्री कैसे बोलेंगे आप लोगों को तो आप लोग मानेंगे? क्या संसद में लिखित में दिया जाना चाहिए? संसद में पूरा सत्र होना चाहिए इसके ऊपर, तमाम मांगे वापस होनी चाहिए। ये लखीमपुर खीरी का जो कांड है, इसके ऊपर क्या नजरिया? आज तक गए प्रधानमंत्री, उनका बेटा जेल में है ना मैम? कहाँ बेटा है? अजय मिश्र टेनी का बेटा जेल तो में उनको मंत्री पद से क्या नीचे किया? अभी तक नहीं किया। तो आप लोगों और को क्या क्या प्रधानमंत्री जी गए किसानों को देखने के लिए? उनका ये जिम्मेदारी नहीं थी? तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।